गुड इवनिंग एवरीबॉडी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। एक मिनट का समय मैं आप लोगों का लेना चाहूंगा। यदि जो भी विद्यार्थी अभी शुरुआत करने जा रहे हैं और जुड़ना चाहते हैं भारत के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के साथ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय न्यूनतम 50% अधिकतम 50% up to 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है सब्सक्रिप्शन पर। आरंभ बैच के माध्यम से भी आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। सारे टॉप एजुकेटर इस बैच में हैं। प्रतिज्ञा बैच के माध्यम से भी आप अपनी तैयारी ऑफलाइन कवर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम का है। और साथ ही साथ 0% इंटरेस्ट के साथ ईएमआई का ऑप्शन है। आर्टिकुलेट मैगजीन आपके पास है। इंग्लिश मीडियम के लिए आप कंप्लीट प्रिपरेशन की प्लानिंग कर सकते हैं। सी सेट की तैयारी को बेहतर करने के लिए हम एक्सक्लूसिव बैच लेकर आ चुके हैं। यदि आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज जो बातचीत हुई सी सेट का बदलता पैटर्न और सही रणनीति पर, कल से पहला क्लास शुरू होगा जिसमें प्रैक्टिस के लिए सारी चीजें आपको मिलेगी। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने, केस स्टडी। दो केस आपको दिए गए थे। पहला केस तो था नियुक्ति कृषि विकास अधिकारी, यही ना, ये हो गया था। इसके पहले भी था ना ये वाला। ठीक है ठीक है। आप एक पीसीएस अधिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करिए। तो ऐसे सवालों में आप ऐसे मत लिखिएगा कि एक उत्तर लिख दिया और फिर आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया तो फिर उसमें उत्तर के नंबर आपको एवरेज मिलेंगे। जैसे मान लीजिए 10 नंबर का है तो आपको 5 या 6 मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 7.5 और 8 मिले, तो जैसे कल मैंने एक उत्तर बनवाया था कि मेरे पास विकल्प इतने सारे हैं, तो हम पहला विकल्प बताएंगे कि मैं चुपचाप इंटरव्यू देने जा सकता हूं। फिर हम उस विकल्प को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। दूसरा विकल्प, स्वयं सहायता करूंगा भले ही मेरा इंटरव्यू छूट जाए। और तीसरा, मैं वहां लोगों को जमा करवा के या फिर एम्बुलेंस को उपलब्ध करवा के उन्हें एम्बुलेंस से भिजवा दूंगा और अपने इंटरव्यू के लिए जाऊंगा। यदि मुझे थोड़ी देरी होती है तो मैं उसका कारण इंटरव्यू पैनल को स्पष्ट रूप से बताऊंगा। और चौथा, पुलिस को फोन लगा दिया या एम्बुलेंस को फोन लगा दिया और उसके बाद मैं अपने लिए इंटरव्यू के लिए निकल जाऊंगा। तो बताइए पहले में क्या आप क्यों नकारेंगे कि आप उस पर ध्यान नहीं देंगे और सीधा इंटरव्यू देने जाएंगे। पहला विकल्प, पहला तो गैर जिम्मेदारी पूर्ण रहेगा। एक नागरिकता के आधार पर कहें, संवेदनशीलता के आधार पर कहें, क्योंकि वह एक छोटी बच्ची भी है और बुजुर्ग भी है, तो दोनों ही जगह संवेदन, जो जिनको हम कहते हैं कमजोर वर्ग है। और अगर मैं इस सिविल सेवा में आना चाहता हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं इस कार्य की शुरुआत अभी से ही करूं। तो इसलिए गैर जिम्मेदारी पूर्ण रहने के साथ साथ मुझे कहीं ना कहीं जिंदगी भर यह हमेशा ही रहेगा कि उनके साथ क्या हुआ होगा। फोटोग्राफर का एग्जाम्पल याद है, उस टाइप में। और समानुभूति का अभाव माना जाएगा कि भाई मेरे अंदर इंपैथी नहीं है। हाँ, नैतिकता ये डाल दीजिए, नीति शास्त्र की कई सारी बातें अब इसमें हम जोड़ सकते हैं कि लोक सेवक होने के नाते, क्योंकि लोक सेवक बनने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि लोगों के प्रति मेरे अंदर एक समानुभूति का भाव हमेशा रहे। ठीक है, सेटिस्फिकेशन, आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी, सुखवाद नहीं मिल पाएगा। ठीक है, दूसरे पर आते हैं कि यदि आप स्वयं अस्पताल ले जा रहे हैं जिसमें आप इंटरव्यू देने नहीं जा पाएंगे,
तो एक व्यक्ति की जगह कई लोगों की हम बड़े स्तर पर मदद कर सकते थे। और जो मन में विचार था, यहां पर हमें अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करते आना चाहिए था। एक तरफ इसको हम कहेंगे हित संघर्ष जैसी बात हो गई, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसी परिस्थिति में यदि मैं ये निर्णय लेता हूं तो मैं निश्चित ही नैतिकता के आधार पर तो सही कार्य कर रहा हूं, लेकिन मेरे कर्तव्य के आधार पर मैं अपनी जवाबदेहिता को पूरा नहीं कर पा रहा हूं, और ऐसा निर्णय मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इस समय मेरी दोहरी भूमिकाएं हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं उन दोनों भूमिकाओं को अपने स्तर पर बेहतर करने का प्रयास करूं। और बाकी आप लोग कि इंटरव्यू देना छोड़ दिया और उसी पे लग गए, नहीं मतलब कुछ तर्क क्या देंगे, नहीं तो हमें पता है। सवाल यह है कि आप उसको नकार किन आधारों पर रहे हैं, इसी पे तो नंबर है। नहीं हो रहा ऑब्जेक्टिव हो गया और डिसीजन मेकिंग के सवाल बंद हो गया, वो क्यों मना कर रहे हम? और अरे घर पे इसीलिए तो दिया था, आप लोगों को क्या लगा घर पे दिया मतलब घर वालों को देकर आ गए थे क्या? बताएं हमें क्यों मना कर रहे आप? इंटरव्यू जा रहा है लेकिन आप उसकी मदद बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से कर रहे हैं। फिर इसमें निष्पक्षता का शब्द डालोगे, अरे पाप लगेगा, इसमें कौन सी निष्पक्षता है? क्या तर्क दोगे? जवाबदेहिता से मुंह मोड़ रहे? नहीं, हम कहेंगे कि हम मुंह मोड़ना नहीं कहलाया जा सकता, क्योंकि हम मना नहीं कर रहे, हम तो तैयार है, लेकिन परिस्थितियों वश ऐसे लग रहा है। नैतिकता तो सही हो रही है। पड़ोसी को मत बताओ, हमें बताओ लाली, पड़ोसी भी नहीं जानता है। सही गलत होगा क्या होगा, थोड़ा बुरा भला कहेंगे हम, और क्या कह सकते हैं? मारने का अधिकार तो छीन लिया गया है। अरे ऐसे मौन ना बैठो, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या करेंगे हम, इंटरव्यू छूट रहा है और हम अस्पताल जा रहे हैं। हम ये जानते निर्णय गलत है, पर गलत क्यों कह रहे हम ये तो लिखोगे ना। कल भी लिखवाए थे मैंने ऐसे कई, पूरा डिटेल में लिखवाया था। ऐसा कोई भी निर्णय जो केवल और केवल सार्वजनिक हितों की ओर जाता हो और स्वयं के अहित की ओर जाता हो, और अभी मेरे पास ऐसा कोई सार्वजनिक पद नहीं है, तब परिस्थिति है कि मैं पहले निजी हित को भी प्रायोरिटी दे सकता हूं, इसमें कोई अनैतिक कृत्य नहीं होगा। लेकिन मैं इस निर्णय में इसलिए असंतुष्ट हूं क्योंकि इसमें केवल नैतिकताओं का पुट हो रहा है, लेकिन मेरी कर्तव्य निष्ठता, मेरी जिम्मेदारियां और मेरा उस समय का मूल कार्य उससे समाप्त हो जा रहा है। तीसरा, आप लोगों की भीड़ को जुटाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे और उन्हें लोगों से रिक्वेस्ट करा के अस्पताल तक पहुंचाएंगे और आप इंटरव्यू देने जाएंगे। यदि इसमें थोड़ी देरी भी हो जाए तो आप साक्षात्कार बोर्ड या इंटरव्यू पैनल को इसका मुख्य कारण स्पष्ट करेंगे, क्यों आप इसे चुनेंगे और यही बेहतर मानेंगे हम लोग तो क्यों? सबसे पहले तो हम इसमें कहेंगे कि इसमें पहले हमारे नैतिक दायित्वों की पूर्ति हो रही है, क्योंकि मैं स्वयं डॉक्टर नहीं हूं, मैं उसका इलाज नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो कर सकते उन तक उसकी पहुंच बना दी मैंने, तो मेरा नैतिक दायित्व पूरा हुआ। मैंने उनकी मदद के लिए जो यथासंभव हो सकता था वो प्रयास पूर्ण कर लिया है, और क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी भी हूं तो मेरा दायित्व है कि मैं अपने इंटरव्यू में उपस्थित रहूं और अपनी इस पूरी मेहनत जो मैंने करके रखी है जहां तक मैं इंटरव्यू देने पहुंचा हूं उसे भी सफल कर सकूं। और क्या कारण देना चाहेंगे? इसमें दोनों के हित है, निजी हित भी पूरे हो गए और सार्वजनिक हित भी।
मैं समझ पा रहा हूं चेहरे तुम्हारे देखकर, अचानक आज सुबह जब आए तो पता चला अच्छा ये भी तो सर ने दिया था। और जब मैं आया तब अब अचानक याद आया पहला ये नहीं था, पहला कुछ और था, लेकिन दूसरा तो हमने देखा ही नहीं था। और कोई तर्क? और चौथा, पुलिस को फोन लगा देंगे तत्काल में और इंटरव्यू देने चले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि यह द्वितीय बेहतर विकल्प होगा, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी ऐसी परिस्थिति में पुलिस या जो इसके लिए जिम्मेदार लोग हैं उनको सूचित करना है, क्योंकि भारतीय पुलिस व्यवस्था ऐसे कार्य को बेहतर तरीके से समझते हैं। और मैं क्योंकि इंटरव्यू पैनल के लिए या मेरा दायित्व अभी साक्षात्कार देने का था, मैं उसको वरीयता दे सकता हूं। ये मेरी दूसरी वरीयता पसंदीदा विकल्प रहेगा। जरा उत्तरों में डाइवर्सिटी लाइए। पहला, मैं घटना की उपेक्षा करते हुए अपने साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ सकता हूं, किंतु यह कार्य अनैतिक और एक संभावित भविष्यवर्ती लोक सेवक के लिए अनुचित साथ ही गैर मानवीय भी है। मैं रुककर बुजुर्ग की सहायता करूंगा और स्वयं उसे अस्पताल ले जाऊंगा, किंतु संभवतः इस दौरान अपने साक्षात्कार से वंचित हो सकता हूं। मैं रुककर बुजुर्ग की सहायता करूंगा, इस हेतु सीमापवर्ती किसी व्यक्ति से सहायता लेने का प्रयास करूंगा और तुरंत एम्बुलेंस के नंबर पर कॉल करूंगा। उपयुक्त कार्य करने के दौरान यदि मैं साक्षात्कार में विलंब से भी पहुंचता हूं तो मैं पैनल के सामने अपना पक्ष रखूंगा, उन्हें आश्वस्त करूंगा। संभवतः एक मानव होने के नाते वह मेरे विलंब होने के कारण को तार्किक और संवेदनशीलता के साथ समझेंगे। फिर दूसरा सवाल जो था, हाल ही में आपको एक जिले के जिलाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। नियुक्ति के बाद आप पाते कि ग्रामीण इलाके में लड़कियों को स्कूल भेजने के मुद्दे पर काफी तनाव है। ये सारी कहानी हमने देख ली थी, तैयार नहीं थे वे लोग। अब सवाल ये है, पीढ़ियों के बीच, मतलब युवा पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ियों के बीच समरसता, उनके बीच के विचारों को समान करने के लिए, गांव के बुजुर्गों की पेट्रियार्किकल एटीट्यूड को बदलने के लिए आप क्या करेंगे? पेट्रियार्किकल चीजों को चेंज करने के लिए मुझे नहीं करना है, आपको एग्जाम देना है, मत बोलो मुझे क्या है, चार साल बाद फिर आना, फिर बताना कि सर अब देख लीजिए कंटेंट डेवलपिंग करना चाहता हूं मैं, कंटेंट यहां खुद बोल नहीं पाए। सबसे पहला कि सार्वजनिक मंच के द्वारा उन्हें जागरूक करने का प्रयास करेंगे। कैसे हम जागरूक करेंगे? सफल महिलाओं को उदाहरण के रूप में पेश करेंगे, कोई निकटस्थ महिला जो सक्सेसफुल हुई है उनको उपस्थित करवाएंगे। और यहां जो एक बड़ा मुद्दा उनका सुरक्षा का है, महिला पुलिसकर्मी की तैनाती, और आश्वस्त करेंगे कि उन लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। पुलिस चौकी की व्यवस्था, बहुत बढ़िया, दोहरा कार्य, लड़कों को जागरूक करेंगे और उनकी पेट्रियार्किकल सोच भी सुधारेंगे। आत्म रक्षा लड़कियों को सिखाई जाए। अभिभावक जो अपनी लड़कियों को पढ़ा रहे उनसे वार्तालाप नहीं, ये नहीं कर सकते, स्कूल अपने हाथ में नहीं होता है। हम प्रयास करवाने की कोशिश करेंगे कि स्कूल की दूरी कम हो सके, क्योंकि इसमें कई प्रकार की चीजें हैं, स्कूल के खुलने और किसी जगह के शिफ्ट होने में कई सारे लोगों की सहमति की जरूरत पड़ती है। तो हम अपनी शक्ति के अंतर्गत रहकर उत्तर देंगे कि
हाँ, इस योजना से क्या हो जाएगा, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ से उनके पास ट्रक होगा तो पीछे लिखवा देंगे। अरे कैसी भी कोई भी चीज कहीं भी जोड़ेंगे इस योजना में। यहां मुद्दा योजनाओं का है। तीन बड़े मुद्दे हैं, पहला लड़कियों की सुरक्षा, दूसरा पेट्रियार्किकल सोच, और तीसरा अभी हाल फिलहाल की हुई घटना। उसमें आप कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत उन लड़कों को भी यही कार्यक्रम में शामिल करवाएंगे। वही त्वरित कार्रवाई, कठोर कार्रवाई, कि उनको बताया जा सके और मेंटली चेंज किया जाए। तो प्रबंधन करने के लिए उनकी सोच परिवर्तन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले माता, आसपास की महिलाएं जो पुरुषों की जिम्मेदारियां निभाती हैं, उनको बताएंगे कि जब वे आपकी जिम्मेदारी निभा सकते हैं तो क्या वे अपने बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। फिर कई सारे महान एग्जाम्पल हैं, रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण है हमारे, इसमें किरण बेदी का एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, फिर छवि राजावत का एग्जाम्पल डाल दीजिए, जिन्होंने बदलाव लाके दिखा दिए दुनिया भर में, चतुर्वेदी जी का एग्जाम्पल डाल दीजिए, जो आपके दिमाग में केस स्टडीज आ रहे होंगे कि हां इनका, इंदिरा गांधी का एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो कुछ ऐसी महान हस्तियां महिलाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया भर में चीजों को बदल के रख दिया, ऐसा एक आध एग्जाम्पल देंगे तभी तो उनकी पेट्रियार्किकल थॉट को चैलेंज करोगे, उनकी मानसिकता को बदलने। उनके दिमाग में क्या है, जो पुरुष कर सकता है वो महिलाएं नहीं कर सकती। जैसे एक और बड़ी महिला का एग्जाम्पल, भारत की बिछेंद्री पाल, हिमालय पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला। फिर उन्होंने एक और महिला की मदद की थी जो हैंडीकैप थी, और दुनिया की पहली दिव्यांग महिला जिसने हिमालय की चोटी को पार किया था, झारखंड की अनुरूपा सिन्हा। तो इनका एग्जाम्पल दीजिए ताकि आप ऐसी चीजें बता सके। पेट्रियार्किकल सोच को तोड़ने का बढ़िया उदाहरण होता है उनके सोच के खिलाफ जिन्होंने सफलताएं हासिल की हैं, उनको प्रस्तुत कर दीजिए। आप ये मान के चल रहे हिंदी माध्यम में चयन नहीं होता, चयन नहीं होता, चयन नहीं होता, मैंने आपको सेकंड थर्ड रैंक वाला बंदा लाके खड़ा कर दिया, जवाब ही नहीं दे पाओगे। आपके सामने 18वीं रैंक का लड़का लाके खड़ा कर दिया, जवाब ही नहीं दे पाओगे, बताओ। फिर आप कहोगे कि नहीं कुछ निकल जा, कुछ मतलब निकलते हैं, इसका मतलब आपका जो तर्क था वो पूरी तरह से बेकार था। तो उनकी मानसिकताओं को तोड़ने के लिए आप ऐसे एग्जाम्पल पेश करेंगे जिससे चीजें बेहतर होगी। मेरा प्राथमिक कर्तव्य कानून और शांति व्यवस्था को स्थापित करना है। सबसे पहले मैं लड़कियों के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले की तुरंत प्रभाव से जांच करवाऊंगा। यदि इस प्रसंग में कोई दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का निर्देश जारी करूंगा। साथ ही सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में किसी भी लड़की के साथ इस प्रकार का कृत्य ना हो। आवश्यकता पड़ने पर मैं छात्राओं के स्कूल आने जाने के मार्ग पर महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती करने का भी यथोचित प्रयास करूंगा। स्कूली मार्ग पर पुलिस पेट्रोलिंग को बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे। अब मैं मामले से जुड़े पक्ष पर विचार करूंगा जो लड़कियों की शिक्षा को लेकर गांव के वृद्ध जनों की पितृसत्तात्मक मानसिकता से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पीढ़ी गैप का है जो स्वाभाविक है। इसे मैं एक सामान्य प्रक्रिया में लूंगा किंतु इस मानसिकता को बदलने के लिए गंभीरता से प्रयास करूंगा। सबसे पहले गांव के कुछ प्रतिष्ठित और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करते हुए उन्हें संज्ञान में लूंगा तथा उन्हें महिला शिक्षा के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक महत्व के बारे में अवगत कराऊंगा ताकि वो इस कार्य में मेरी सहायता कर सके, मेरा कार्य और अधिक सरल हो सके। बाद में मैं यह विचार वृद्धजनों के समक्ष भी रखूंगा। वस्तुतः अभिवृत्ति बदलने के लिए सूचनाओं की पर्याप्त उपलब्धता आवश्यक होती है। एटीट्यूड में बताया था कि सूचना अभिवृत्ति तीन प्रकार की होती है, पहली भावनात्मक, दूसरी संज्ञानात्मक और तीसरी व्यवहारात्मक। जो पहली बार इंप्रेशन पड़ता है उसे हम कहते हैं भावनात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब, तो यहां आपने लिखना चाहिए था कि संज्ञानात्मक अभिवृत्ति के लिए मैं उन तक वो सूचनाएं पहुंचाऊंगा जो उनके एटीट्यूड को बदलने में सहायक होगी। विभिन्न कहानियां चलचित्रों के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कुछ सफल महिलाओं के उदाहरण भी दूंगा।
उन्हें यह भी बता होगा कि ऐसा न करने से उनका क्षेत्र पिछड़ता चला जाएगा। क्षेत्र की सफल महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में गांव वालों को जागरूक करें, क्योंकि अनुनय अभिवृत्ति को बदलने में सबसे ज्यादा सहायक होता है, मतलब लोगों का एक दूसरे की ओर देखकर सुधरना। मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूंगा कि जो शिक्षा और रोजगार लड़कों के लिए अच्छे हैं वो लड़कियों के लिए बुरे कैसे हो सकते हैं। उन्हें समझाऊंगा कि समस्या दरअसल लड़कियों के पढ़ने और रोजगार करने में नहीं बल्कि हमारी मानसिकताओं में है। इसके अलावा कुछ ऐसी सफल महिलाओं के बारे में वृद्ध जनों को अवगत कराऊंगा जिनसे वो भलीभांति परिचित हो। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, मायावती, लता मंगेशकर, इनके माध्यम से। साथ ही मैं उन्हें यह भी जानकारी दूंगा कि शिक्षा प्राप्त करना लड़कियों का अधिकार है और किसी लड़की को शिक्षा से वंचित करना, लिंग के आधार पर भेदभाव करना, सामाजिक बहिष्कार करना इत्यादि गैर कानूनी है। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा सकता है। अतः मैं पुनः वृद्ध जनों को प्रार्थना स्वरूप लड़कियों की शिक्षा के लिए मनाने का आग्रह करूंगा। यदि पितृसत्तात्मक मानसिकता को अचानक से बदलना इतना सरल नहीं है, किंतु फिर भी मैं अपनी ओर से भरपूर प्रयास करूंगा और उपयुक्त समाधान निश्चित ही मेरी सफलता में सहायक होंगे। अगर ऐसे उत्तर नहीं लिख पाओगे तो फिर उम्मीदें भूल जाइए, खास करके तो एथिक्स के पेपर में, क्योंकि एथिक्स के पेपर में ही तो आप अपनी बातों को, आपको क्या लग रहा है ये केस स्टडी आने वाली है, इसके जैसी आएगी, लेकिन वहां पर आप कितने संतुलित होकर उत्तर लिख पा रहे हैं उसी पर सारा कुछ डिसीजन लिया जाएगा। तो इस पर ज्यादा गौर करिए, क्योंकि ये मेरा विषय नहीं है, ये विषय आपका है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकली एग्जाम हॉल में तो आपको ही देखना है क्या करोगे, मैं केवल डायरेक्शन ओपन कर रहा हूं। जैसे कल हमने देखा विकल्पों के साथ उत्तर देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, आज हमने देखा जितने डायरेक्शन और डायमेंशन इसमें जोड़ते जाएंगे उतना उत्तर बेहतर होगा। आप बोल नहीं पा रहे, आप सोच नहीं पा रहे और फिर आप कल्पना कर रहे हैं कि अचानक चीजें समझ में आएगी। इसके लिए मैंने आपको बार बार कहा था, जितनी भी हो सकता है सत्यमेव जयते की जो एपिसोड है, धर्म क्षेत्र नाम से जो एक सीरीज बताई थी मैंने, एपिक चैनल पर आती थी, मूवीज के कई सारी चीजें बताई है जैसे पिंक मूवीज होती है, उन तर्कों को दिमाग में रखिए, वही सारे तर्क आपकी यहां भी मदद करेंगे। इसलिए जितना हो सके यहां पर प्रैक्टिकल चीजों को सीखने के लिए, मैं मूवीज के इसलिए एग्जाम्पल पसंद करता हूं क्योंकि वो सीन आप पूरा क्रिएट कर सकते हैं अपने दिमाग में कि यहां सिचुएशन क्या हो रही है, और ऐसी चीजें बहुत बार मिल जाती थी। लिख लीजिएगा इस उत्तर को प्रॉपर तरीके से, पहला वाला नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि पहला वाला इजी है, अब उसमें विकल्प आप खुद भी बना सकते हैं। लिख लिया था ना इसको, दो और एक और एग्जाम्पल कल मैं बैठा था तो मुझे मिला, बहुत सारे केस स्टडीज अगर आपको चाहिए तो कौन बनेगा करोड़पति में कर्मवीर नाम से एक एपिसोड आते हैं,
तो कर्मवीर फ्राइडे के दिन बुलाते हैं, जिसमें कोई समाज सेवा करने वाले व्यक्ति को सामने रखा जाता है, फिर वो किस तरीके की समाज सेवा कर रहे होते। तो मेरे कल 2 साल पहला एक वीडियो आया जिसमें राजस्थान के कोई डॉक्टर प्रभाकर हैं, उनकी पत्नी के साथ भी आए थे। वे अपने आश्रम में 3.5 लाख रुपए पर डे का खर्चा बताते, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि वो ये मानते हैं कि ये कार्य मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं, इसके लिए मुझे किसी पुरस्कार या सम्मान की कोई उम्मीद और अपेक्षाएं बिल्कुल भी नहीं। यहां तक कि अगर कोई उन्हें देने जाता है तो वो लेते नहीं है। तो ये उच्च विचार वाले हो गए ना, इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है कि इतना बेहतर काम करने के बाद व्यक्ति क्या सोचे, मुझे कोई भी सम्मान पदक उपाधि ना चाहिए। यहां लोग थोड़ा सा काम करके सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, और यहां व्यक्ति सबसे बड़ा काम करके भी सैलरी तो दूर की बात है, सम्मान भी नहीं चाहता है। ये भी विचार है। ऐसे केस स्टडी याद रखोगे तो जिंदगी तुम्हारी बदलेगी, मेरी तो नहीं बदलने वाली है, पर आप तो बदलो। इसलिए ऐसी एग्जाम्पल अगर आपको लगे केस स्टडीज नहीं मिल रहे हैं तो इन सारे चीजों को देखते रहो, और उदाहरण के रूप में 2-3 नाम भी आप बढ़िया से समझा पाए तो चीजें बदल जाएगी। वो मत दिखाना कि जो TRP में चलते रहते हैं कि अंजू ने क्या किया और संजू ने क्या किया। ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट है। अच्छे लोगों को जितना जानोगे तुम्हारे साथ भी उतनी अच्छी चीजें होती जाएगी। देख लिया इसे। साथ ही मैं सुनिश्चित करूंगा कि पहले, मतलब क्योंकि मेरी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है, तो पहले हम लॉ एंड ऑर्डर पर काम करेंगे और फिर दूसरा कदम उठाएंगे मनोवृत्ति बदलने के लिए। तो 2 पहलुओं में उत्तर बता दिया। डॉक्टर BM भारद्वाज और डॉक्टर श्रीमती माधुरी भारद्वाज, डॉक्टर नहीं श्रीमती माधुरी भारद्वाज। तो ऐसे केस आपको याद रखने चाहिए कि सोचिए लोग यहां तक भी सोच रहे हैं। देख लिया है। अब हम दूसरे पर आ रहे हैं। क्या दूसरा पहलू है? पितृ सत्तात्मक मानसिकता, पेट्रियार्किकल मेंटालिटी। अब हमारा मकसद है उस बुजुर्ग पीढ़ी की मानसिकता को बदलना। तो बस इतना लिखिएगा, पितृ सत्तात्मक मानसिकता के परिवर्तन के लिए, फॉर चेंजिंग द पेट्रियार्किकल माइंडसेट। अब हम कदम उठा रहे हैं पेट्रियार्किकल माइंडसेट को चेंज करने के लिए।
लिख लिया है पेट्रियार्किकल माइंडसेट। बस जैसे जनरेशन के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, इस पर इतना कोई चिंता व्यक्त करने की जरूरत, इस मुद्दे को हम इतना कठोरता से नहीं हल करेंगे। हां, पर जो व्यक्ति ऐसा सोचता है, पेट्रियार्किकल माइंडसेट का पहले मैं मतलब देख लूं तो फिर पता चल रहा मैं कहानियां बताते चल रहा हूं और दुनिया में वही है, समझ में नहीं है। पितृसत्तात्मक मानसिकता का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द पेट्रियार्किकल माइंडसेट? हाथ खड़ा करके, हां, महत्व दिया जाए, बस इतना ही। और किसमें मतलब किसको प्राथमिकता? पुरुष को, पुरुष को, हां। और निर्णय लेने का अधिकार पुरुषों को, और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व। देखो, पेट्रियार्किकल थॉट या पेट्रियार्किकल माइंडसेट का मतलब महिलाओं को पर्टिकुलर किसी भी भौतिक मानसिक कार्य के लिए अयोग्य समझना, बिना उनकी क्षमताओं को जाने सीधा कह देना उनसे ये नहीं होगा। मतलब आप उसमें कई डायमेंशन ले सकते हैं कि वे मान लेंगे कि सैनिक कार्य पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं से नहीं हो सकता। वे मान लेंगे कि बाइक चलाने का काम, कार चलाने का काम पुरुष कर सकते हैं, महिलाओं से नहीं होगा। यहां तक कि पेट्रियार्किकल माइंडसेट यह भी कहता है कि महिलाओं के कुछ पर्टिकुलर काम है, उनके अलावा वे कुछ नहीं कर सकते, और वे काम जो महिलाओं के हैं उन्हें पुरुषों ने नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच ज्यादा और कम होगी, लेकिन होगी जरूर। जैसे विशेष प्रकार के वस्त्र, अगर कोई पुरुष साड़ी पहनकर आए तो समाज के 99.9999% क्या कहेंगे? यह पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ने तय कर लिया कि उस कपड़े का जेंडर क्या है, जबकि कपड़ों का तो कोई जेंडर नहीं होता। इसीलिए जींस पहनने वाले, अब देखो आप कहोगे नहीं सर ऐसा थोड़ी है ऐसा। अब आप इसको देखना, मैं जोड़ रहा हूं, आप इसको नकार देंगे कि नहीं सर साड़ी पहनेंगे तो ऑब्वियसली सारे लोग ही कहेंगे भाई, पर आप क्यों कह रहे हो? ये वही से शुरुआत होती है जहां जींस पहनने वाले पर, जींस की पैंट लड़की पहनती है तो एक बुजुर्ग कहता है कि ये लड़कों जैसे कपड़े अच्छे नहीं है। उसकी सोच में और आपकी सोच में कोई अंतर नहीं है, बस आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत ही मॉडर्न सोच का हूं, मैं जींस पहनने की अनुमति देता हूं। पर क्या तुम ये अनुमति दे सकते हो कि कोई पुरुष किसी भी महिला का कोई भी वस्त्र अगर पहन ले तो उसमें कोई बुराई नहीं है? थोड़ी बहुत पैतृक सोच तो हरेक के अंदर है, वो भले आप एक्सेप्ट करें या ना करें। अब इसका अभिप्राय हम ये नहीं कह रहे कि पुरुषों ने कपड़े बदलने चाहिए, नहीं, हम बस इतना कह रहे हैं कि किसी कपड़े का जेंडर आप तय ना करें, क्योंकि कपड़े को केवल एक वस्त्र के रूप में समझा जाए, और अगर आप ऐसे वस्तुओं के जेंडर तय करने लग जाओगे तो फिर इस संसार में तुम रखोगे क्या अपने लिए? हर चीज अपने आप में बट जाएगी। हमने रंग बांट दिए धर्म के आधार पर, जबकि हर रंग में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर हम हर चीज ऐसे ही बांट देंगे, दिन और रात से लेकर, सुबह और शाम से लेकर, सूरज और चांद से लेकर, तो फिर हम इस पृथ्वी पर आधी वस्तुएं ही भोग पाएंगे ना। इतना तो मानोगे आधी मिले ना मिले, पूरी तो नहीं मिलने वाली है। और पूरी वस्तुओं का भोग अगर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर आने का मकसद भी तो चला गया। हमें ऊपर वाले ने एक पर्टिकुलर कैटेगरी के रूप में तो भेजा नहीं था कि तुम इसी रंग को अपनाना, तो कहा भाई मैंने जितना दिया है प्रकृति का आनंद लो, पर
तुमने अपने अनुसार बदला और आज उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि पितृसत्तात्मक सोच काफी गहराई तक है लोगों की। अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है, मतलब जाने माने, तो वे इस प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं कई बार कि जानबूझकर महिलाओं के वस्त्र पहनकर घूमने चले जाते हैं मार्केट में, तो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं कि लोग किस तरीके के हैं। तो कहते कि भले ही ऊपरी तौर पर लोग कहे कि उनके दिमाग में अब सोच माइंड सेट ऐसा नहीं है, लेकिन वो कहते कि ऐसी चीजें बिल्कुल भी सही नहीं। फिर एक और होते हैं जिनको कहते हैं लाइव एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन करने वाले। मैंने आपको शायद बताया था, एक महिला थी, वो एक चौराहे पर एक बोर्ड लेकर खड़ी थी और उसने कहा कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तब कई लोग उसे थप्पड़ मार रहे थे, कई लोगों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, कई लोग इतने गंदे थे कि उसको पिन चुभा कर आ रहे थे, और उन सभी लोगों से बस रिक्वेस्ट की थी कि आप कुछ भी मेरे साथ व्यवहार करने के बाद यहां रहिएगा। आधे घंटे के इस कार्यक्रम के बाद उन सभी लोगों के पास गई और उनसे पूछा, क्या मैंने आपके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार या कोई भी गलत कृत्य किया था? और आपने स्पष्ट कर दिया कि मानव के अंदर छुपे हुए शैतान है आप, बस आपको मौका मिलने की देरी भर है। आप इसलिए मानव के भेष में अभी तक बने हुए हैं क्योंकि आपको मौका, और आज जब मौका मिला तो आपने स्पष्ट, वे व्यक्ति उनसे निगाह नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि क्या किया उन्होंने, आप उन्हें थैंक यू बोल सकते थे, भाई आप मुझे बताओ कुछ भी कर सकते थे, नकारात्मक ही क्यों सोच रहे हो, सकारात्मक क्यों नहीं सोच सके कि आप उन्हें फूल दे सकते थे, आप उन्हें तारीफ कर सकते थे, आप उन्हें अपने बारे में बता सकते थे, अपने दुख बता सकते थे, पर आपने उनको तकलीफ देना ही विकल्प क्यों चुना? कि आपके अंदर कहीं ना कहीं मनुष्य के रूप में ही सही लेकिन एक शैतान तो बैठा है। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें इन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा, उन केसों पर ध्यान देना पड़ेगा जो माइंड सेट को समझ सके। तो माइंड सेट जब भी कहा जाएगा पितृसत्तात्मक, जो ये तय कर देता है बिना किसी कारण के कि आप अयोग्य है, आपका मतलब महिलाएं, और ये भी तय कर देता है कि वो कार्य कोई पुरुष का नहीं है। जैसे आपके घर में होंगे कोई दादा दादी नाना नानी, उनमें से कुछ लोग ऐसा कहते होंगे कि किचन में हमने आज तक कभी कदम नहीं रखा, मतलब उनके लिए वो एक ईगो का विषय है कि किचन मतलब, तो नो डाउट कुछ लोग हो सकता है 70-75 के हाल में सुधर जाते हैं और फिर काम करना शुरू कर देते, किचन में आना जाना शुरू कर देते जब हड्डियां कमजोर मांसपेशियां कमजोर और मानसिक रूप में परिपक्वताएं बढ़ जाती हैं, ऊपर वाले की आवाज आने शुरू हो जाते हैं, तब उन्हें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती और फिर वह एक साधारण मनुष्य का जीवन जीना प्रारंभ करते। डिपेंड करता है, कुछ लोग उम्र के 16 साल में कर लेते हैं, कुछ 75 में, करना तो सब, कुछ मृत्यु के 2 घंटे पहले बदलते हैं, पर बदलाव तो होता ही है। वापिस जीवन पर आते हैं तो एग्जाम्पल लिखेंगे, सबसे पहले तो मानसिकताओं में जो डिफरेंसेस है उस पर इतना टेंशन नहीं लेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहां से लिखेंगे, कई लोगों के दिमाग में अभी ये बात भी आ रही होगी कि सर मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं, सोच ही नहीं पा रही हूं। उसका कारण है, मैंने तब भी आपको बताया था कि एथिक्स एक ऐसा केस सब्जेक्ट है जहां सभी विषय आपके जहन में रिवाइज हुए हो तो आप, जैसे कई बार मैं पहले बोलता था ना कि देखो बेटा एथिक्स शुरुआत में मत पढ़ना, मैं बार बार ये दबाव डालता था, तो कई लोग यूट्यूब पर नीचे कमेंट्स करते थे, खास करके जो एथिक्स पढ़ाने वाले मास्टर थे, अभी से पढ़ेगा बहुत अच्छे नंबर लाएगा। मैंने कहा आप पढ़ तो लेगा लेकिन क्या वो परिपक्वताएं, जो वह बुद्धिमत्ता, जो एब्जॉर्प्शन उसके अंदर होना चाहिए था वो आएगा ही नहीं। आज तो ही आप इतने विषय पढ़ जानने के बाद इसको पढ़ रहे, इमेजिन करिए कि अगर आपकी शुरुआत केवल एथिक्स से हो जाए तो हर चीज आपको अद्भुत लगेगी, आप कहोगे क्या पढ़ा रहा है मास्टर, लेकिन रियलिटी में उसका अप्लाइड पार्ट जब करने जाओगे तो हाथ रुक जाएंगे।
तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने माइंडसेट को वर्सेटाइल बनाएं। वर्सेटाइल का अभिप्राय उसको वो सारी डायमेंशन दीजिए जो सोचने के लिए मजबूर हो। और मैं चाहता हूं कि ऐसे केस स्टडी सब जगह आए, केवल मेंस में नहीं है, पीटी में भी आए। पीटी में भी ऐसे सवाल बनने चाहिए, कोई बुरा नहीं है, क्योंकि वास्तविक रूप में मैं हुआ या कोई भी शिक्षक हुआ तो विषय जब पढ़ा देता है आपने याद कर लिया, आपकी बुद्धिमत्ता तो परिचय में आ गई कि आपकी मेमोरी अच्छी है, लेकिन आप व्यक्ति अच्छे हैं कि नहीं ये तो इसी से पता चलता है। इसलिए मैंने कहा था कि निबंध और एथिक्स, इसी में व्यक्ति आंतरिक रूप से निकल कर बाहर आता है कि सच में भरा पड़ा है कि केवल किताबी चीजें लेकर आ गया है। और जिनके नंबर एथिक्स में अच्छे आ रहे हैं, यकीन मानिए है उनके पास एग्जाम्पल, तो आपको हर जगह देते आने चाहिए। देख लिया है, बाद में यही विचार वृद्धजनों के समक्ष रखेंगे, अभिवृत्ति बदल यहां पर फिर डायरेक्ट लिखेंगे। इनफैक्ट अभिवृत्ति बदलने के लिए हम उनके पास उन सूचनाओं को पहुंचाएंगे। जैसे आपको क्या लगता है, इस समय गांधी जी के विषय में जो नकारात्मक सोच आई है उसके पीछे का कारण क्या है? उनके पास वो जानकारी पहुंची है जिसने उनके अंदर वो मनोवृत्ति विकसित की है। गांधी जी जैसे व्यक्ति की हत्या करने का अगर किसी ने सोचा या उस समय यह सोच आई होगी, तो आप ये मत सोचेगा कि वो एक व्यक्ति के मन का स्वतः का विचार होगा, कहीं ना कहीं माहौल बनाया गया होगा। अब आप अनुभव कर चुके हैं दुनिया में चीजें माहौल के साथ चलती है। आज से 10 साल पहले हमारे देश में ओ माई गॉड मूवी भी आई है और हमारे देश में पी के मूवी भी आई है और लोगों ने सराहा है, समझा है, जाना है। और क्या हमारे देश में आज वही सेम थीम पर बात आ जाए तो लोग, लगता है वैसे मेरे मानना ये 98% लोग आज भी वही मानसिकता वाले हैं, बस इतना ही है कि जो सोशल मीडिया में 2% सक्रिय हैं वे लोगों को दूसरा पिक्चर दिखाने की कोशिश कर, यहां तक कि मतलब अगर मैं कहूं माइक बंद करके आपको क्या लगता है कि पितृ सत्तात्मक सोच क्यों आई होगी? क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं है, कई वर्षों तक, कई पीढ़ियों तक एक ही बात को क्या किया जा रहा है और फिर उसके अंदर वो एक विचार बन गया कि नहीं यही होता है। उस विचार को तोड़ने के लिए भी आपको टाइम तो लगेगा, तो इसलिए बहुत जरूरी है। लिबरल उदारवादी मैं इसीलिए मानता हूं, देखो भाई कुछ भी हो, उदारवादी कमजोर हो सकता है, लड़ाई नहीं कर सकता, लेकिन उदारवादी नए विचारों को स्वीकार करके बदलाव ला सकता है। और बदलाव ही दुनिया का, भगवत गीता में सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखी आखिरी लाइन, परिवर्तन, उसे ना तो आप नकार सकते हैं ना मैं।
देख चुके हम सब लोग कितना परिवर्तन हो चुका। तो विभिन्न कहानियां, चलचित्र के उदाहरण बताइए, कुछ महान हस्तियों के नाम बताइए। कभी आप लड़के देखने के लिए किसी लड़के के साथ जरूर जाइएगा, मजा आता है उसमें। मतलब एक तरीके से अलग चीज अनुभव होगी जिंदगी में तुम्हें। नहीं, वो तो एक साधारण सी प्रक्रिया है, पर मैं आपको मतलब कुछ ऐसे डायलॉग बताऊं कि मुझे अचरज लगा था। उन्होंने एक ने कहा, मतलब माताश्री होगी, उन्होंने कहा कि हमारे घर पे मतलब कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं मतलब लड़का बहुत कमाता है, नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब नौकरी का उद्देश्य हमारे देश में केवल पैसा कमाना भर नहीं है, बल्कि नौकरी का मकसद होता है आप अपने जिंदगी में क्या कार्य समाज के लिए करने जा रहे हैं। उसके लिए समाज भले ही आपको पैसे दे रहा हो, लेकिन आप फिर भी क्या दायित्व निभाना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा कर्तव्य है। निश्चित ही गृहिणी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, हम उसको नकार नहीं रहे हैं, लेकिन अगर किसी महिला की इच्छा है कि वह गृहिणी के साथ साथ कुछ कार्य करना चाहती है, तो उस इच्छा को केवल इसलिए मत मना कर दीजिए कि आपके घर को पैसों की जरूरत। अच्छी बात है, भगवान करे कि इतना पैसा आए कि आप पैसा बांटे लोगों को, दो दो हजार के नोट बहुत सारे बांटे, मुझे भी थोड़ा सा दे दे, लेकिन इसी के कार्य और योग्यता में अगर काबिलियत, जैसे मैं कई बार देखता हूं कुछ लालिया ऐसी थी हमारे परिचय में जो बहुत अच्छे से न केवल सब्जेक्ट बढ़िया कर सकती थी, कंटेंट बढ़िया बना सकती थी, बट विवाह के उपरांत उन्होंने इसलिए कार्य छोड़ दिया क्योंकि घर वालों ने कहा कि अब काम करने की जरूरत नहीं है। तो रियालिटी में जहां के एलिजिबिलिटी, सोचो नुकसान पूरे देश का हुआ, पूरे देश का कैसे, एक योग्य सक्षम हाथ जिसके अंदर सारी योग्यताएं उस कार्य को करने की थी, हमने केवल इसलिए मना कर दिया कि हमारा मन नहीं। हाँ, उनकी स्वयं की इच्छा ना हो काम करने की, वो अपनी जगह पर है, लेकिन अगर इच्छा भी है, सारी चीजें, बस आप इसलिए नहीं करवाना चाह रहे क्योंकि आपको पैसों की जरूरत, मैं तो कहूंगा मुफ्त में करवाइए, फिर और भी पुण्य लगेगा, दान होगी। एक मूवी का डायलॉग अगर आपको याद हो, राजकुमार जी का, वो डीएम थे शायद, तो उस मूवी में वो बोलते हैं कि कलेक्ट्री तो हम शौक से करते हैं, वरना हमारे बाप दादाओं ने इतनी जमीन कमा के रख दी है कि अगर हम बैठ कर भी खाए तो हमारी कई पुश्तों को देखना नहीं पड़ेगा। तो भाई वो डायलॉग हम भी बोल पाएंगे कि भाई हम शौक से काम कर रहे हैं, पैसे वैसे की जरूरत नहीं सर, लेकिन अंदर से ही आप काम करने का एक जज्बा है, वो एक अलग सी चीज है। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग समाज में बढ़े और इससे कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक सोच जाएगी, लेकिन स्थितियां बड़ी भयानक है हमारे देश में, कई लोगों के तर्क बड़े अजीब से हैं।
क्षेत्र की किसी सफल महिला से निवेदन करेंगे कि वह स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में गांव वालों को जागरूक करे, क्योंकि अनुनय अभिवृत्ति बदलने में सहायक। माता पिताओं से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ज्यादा सिखाए नहीं बल्कि बच्चों को दिखाए। वह अगर ईमानदारी करना चाहते बच्चों के अंदर तो खुद ईमानदारी से व्यवहार करे। वो चाहते हैं कि बच्चा झूठ ना बोले तो स्वयं झूठ ना बोले। वो चाहते हैं कि बच्चा टीवी मोबाइल टेबलेट कम देखे, स्वयं कम देखे। एग्जाम्पल में लिखेंगे फिर। हाँ, ये लास्ट पॉइंट दीजिएगा, एक दो पॉइंट और लिखिए और इस आंसर को पूरा करिए। देख लिया है, या आखिरी में धमकी भी दीजिए, थोड़ा डराइए। डराने के बाद पुनः उनसे विनती करिए कि सर पर मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आप समझ सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि थोड़ी सी अपनी भी तारीफ हो जाए। देख लिया है, गिरफ्तार कर जेल भेज सकते हैं, लेकिन अंत में उनसे एक प्रार्थना भी करवाए करेंगे। भाई आप खुद ही भेज दीजिए, हमारी रिक्वेस्ट है। देख लिया है, अतः मैं पुनः वृद्धजनों को प्रार्थना स्वरूप लड़कियों की शिक्षा के लिए मनाने का आग्रह करूंगा। बस बाकी तो आप एंडिंग में लिखना चाहें, मैं यथासंभव प्रयास कर चुका हूं, लेकिन क्योंकि मानसिकता इतने जल्दी बदलती नहीं है, थोड़ा समय उसमें लगेगा। इस बात को बताने के लिए कि आप मैच्योर है और जानते हैं कुछ चीजें उतनी आसानी से नहीं होती जितना कि हम उम्मीद कर रहे होते।
लिख लिया है। फिर एक सवाल है, ये मतलब केस स्टडी नहीं है, अक्सर कहा जाता है कि निर्धनता भ्रष्टाचार की ओर प्रवृत्त करती है। ऐसा लोग मानते हैं कि गरीबी के कारण क्या है, भ्रष्टाचार होता है, परंतु ऐसे भी उदाहरणों की कमी नहीं जहां संपन्न और शक्तिशाली लोग बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। लोगों में व्याप्त भ्रष्टाचार के आधारभूत कारण क्या है, उदाहरणों द्वारा अपने उत्तर को। तो आप इसमें बहुत सारे आईएएस ऑफिसर के उनके नाम लिख सकते हैं जिनके बारे में आपको जानकारियां हैं, और वास्तविक रूप में लोग ये मानते हैं, ये गलत है। रियलिटी में लालच या लालसा या भौतिक सुख भ्रष्टाचार का मूल कारण जरूर है, लेकिन वो निर्धनता के साथ डायरेक्टली जुड़ा। अगर ऐसा होता तो प्रत्येक निर्धन भ्रष्टाचारी और प्रत्येक अमीर ईमानदार होता, लेकिन यह एक लोगों के अंदर बैठी हुई केवल क्या है, धारणा, अजम्पशन, मनोवृत्ति भी कह सकते हैं आप। तो इसको समझा पाएंगे आप लोग, इसे कई उदाहरण दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। फिर लाल बहादुर शास्त्री, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्तियों के उदाहरण, जो बहुत ही गरीब रहने के बावजूद भी उच्च पदों पर पहुंचे और उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार नहीं किया गया, लेकिन यह भी उदाहरण है। सीबीआई ने पिछले 5 साल में 44 आईएएस और 12 आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव, छत्तीसगढ़ के आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी अखंड प्रताप सिंह, ऐसे कई एग्जाम्पल है। फिर भ्रष्टाचार के क्या कारण है समाज में, कहीं ना कहीं सामाजिक मूल्य में भी बदलाव आ गया है। लोग आजकल उस व्यक्ति को ज्यादा सम्मान देते जिसके पास भौतिक सामग्री ज्यादा हो, गाड़ी, बंगला, सारी चीजें हो, तो लोग उन्हें रिस्पेक्ट देते, लेकिन जो ईमानदार हो, जो अपने कर्तव्यों की पूर्ति करे, उसके लिए लोगों को सम्मान देने का समय नहीं है। और ये मूल्य, सामाजिक मूल्य बहुत बड़ी बात है। लोग अगर उन लोगों को सम्मान देना शुरू कर दे तो लोग ईमानदार हैं, जो नैतिकता के साथ काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूर्ण निर्वाह कर रहे हैं, तो वास्तविक रूप में अपने आप समाज में बहुत ईमानदार लोग बढ़ जाएंगे। उन्हें तो तकलीफें झेलनी पड़ रही है। अशोक खेमका जी का उदाहरण ले लीजिए, उनको कोई डिपार्टमेंट 6 महीने से ज्यादा संभाल नहीं पाता है। अभी यूपी के आईपीएस प्रभाकर जी का देख लीजिए, उनको कितनी बार ट्रांसफर झेलना पड़ गया। तो हमारे समाज में तो ये हो गया है कि जो उल्टा ईमानदार हैं उसको हम लोग इतनी तकलीफ दे रहे हैं, इतनी पीड़ा दे रहे हैं कि हम उसको मनवा रहे हैं कि तुम भी वैसा ही करो। और इसका परिणाम ये मत सोचे कि वो एक व्यक्ति बदलने वाला है, जो नए लोग आएंगे उनके पास भी तो उदाहरण पहुंचते हैं। देखिए, अनुनय की यहां भी जरूरत है। अगर समाज अनुनय शुरू कर दे कि जो अच्छे होंगे केवल उन्हीं को रिस्पेक्ट देगा, तो अपने आप समाज में पुनः गांधी, पुनः बेहतर लोग आएंगे। आप राम राज्य बना तो दोगे, लेकिन अगर राज्य में राम ही नहीं है तो वो राम राज्य कैसे मान लिया जाएगा। अगर राज्य का निर्माण केवल भौतिक अवसंरचनाओं से होता है तो मुझे लगता है सिंगापुर, दुबई या फिर बाकी जगह ही भी राम राज्य बन गई है, क्योंकि अवसंरचनाएं वास्तविक रूप में राम राज्य की निर्माण नहीं करते। उसके अंदर के लोग, उसका शासक, वे सभी लोग ही तो राम राज्य कहलाएंगे। क्या वे लोग जो केवल और केवल किसी भी प्रकार की हिंसाओं के समर्थक हो सकते हैं, वे राम राज्य के समर्थक माने जाए या विरोधी, खुले तौर पर विरोधी? भगवान श्री राम के पास क्या चीज के विकल्प की कमी थी? क्या वो पिता की अवज्ञा नहीं कर सकते थे आदेश की? क्या वो पुनः वापिस लौट नहीं सकते थे? क्या वे अपना राज्य स्वयं प्राप्त नहीं कर सकते थे? क्या जनता उनके समर्थन में नहीं थी? इन सबके बावजूद भी वे त्याग करते हैं तो राम राज्य की हम कल्पना कर रहे हैं। इसलिए हर मनुष्य जो राम राज्य चाह रहा है उसे पहले क्या चाहना चाहिए? त्याग। और वो चीज आ नहीं रही है, बल्कि वो त्याग की जगह और क्या करने लगा है? डिमांड।
मांगे करने लगा, ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, सब कुछ, और फिर राम राज्य भी मेरा है, बिना राम के राज्य कैसा। आइए अब नई केस स्टडीज देखते हैं जरा, ये आप क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। अब आ रहे हैं हम, ये थोड़ा नए और बड़े क्वेश्चन है जो यूपीएससी की आजकल जो 22-23 के सवाल है, ये 22 का सवाल है जो अभी मेंस पिछले साल हुआ था, पढ़िए आप लोग, बहुत लंबी कहानी है, फिर मैं शॉर्ट में दोहरा दूंगा। थोड़ा धीमा पढ़िएगा ना तो पता चल रहा है, प्रभात के बारे में बातें तो नहीं समझ में आ रही है, लोगों के नाम बस पता चल रहे। अगला अभी बहुत है, 4 पेज में कहानी है। पढ़े
एक इंपॉर्टेंट चीज है, उस व्यक्ति के पास एक ऐसी गुप्त डॉक्यूमेंट है जो कि अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं और वो व्यक्ति उस कंपनी को देने को तैयार भी है। वो मिलने के बाद वो टेंडर आपको ही मिलेगा, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। प्रभात की स्थिति पता चली, एक बूढ़ी मां, बच्चे, सैलरी पर ईएमआई का बर्डन, सारी कहानी है। दूसरा पहलू है कि कंपनी में परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन, अब उन्हें एक बेहतर व्यक्ति मिला भी रहा है, सुभाष सब कुछ बढ़िया है, सारी योग्यताएं हैं, पर उस और उसके पास कुछ ऐसी गुप्त डॉक्यूमेंट है जिसके बाद तो और भी चीजें बेहतर हो जाएगी। मतलब यूपीएससी लालसा भी दे रही है पूरी तरह से कि भाई सब बढ़िया कंडीशन में आ जाएगा। उसने कहा है कि मैं अपने जो नियम और शर्तें उसने बता दी कि मुझे ये रहेगा और बाकी सब मैं दे दूंगा आपको। फिर सदमा और रोमांच, उसको झटका भी लगा और उसको खुशी भी हो रही है। प्रभात वॉज स्टन, वॉज ए मिक्स्ड फीलिंग ऑफ शॉक एंड एक्साइटमेंट। सब कुछ बढ़िया रहा तो बेस्ट ही होगा, लेकिन अगर नहीं रहा तो कहानी समझ में आ गई है। तो लग रहा है कि अगर हम सब एक्सेप्ट कर ले तो चीजें सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ। और उसे डर है भविष्य में होने वाली, इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे कौन कौन से है। पहले तो इसमें नैतिक मुद्दे कौन कौन से है, एथिकल इश्यूज। यहां व्यक्तिगत बनाम कंपनी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसका जो है वास्तविक रूप में कंपनी में लगातार परफॉर्मेंस खराब होने का कारण उसके माता पिता का कोई रोल थोड़ी बोला गया है। लेकिन यहां पर आर्थिक बनाम सामाजिक भी है। दूसरा, नैतिकता बनाम आर्थिक। नैतिकता बनाम आर्थिक मतलब पूरी तरह से लाभ कमा ले या फिर बना करके संकट मोल ले। और एक और पहलू है अभी इसमें, क्या नहीं, वो एक मुद्दा नहीं, मतलब उसमें हम कहेंगे कि वो तो समस्या बताएंगे कि विकल्प क्यों नहीं चुनेंगे, लेकिन नैतिक मुद्दे और कौन से हैं। निजी और सार्वजनिक, अगर वह मान लेता है सब कुछ तो उसका अपना सारा फायदा कंपनी से लेकर सब चीजें, लेकिन यह जो उसने तरीका अपनाया वह सार्वजनिक रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो कौन कौन से पहले नैतिक मुद्दे हैं हमसे पूछे गए हैं। इस मामले में शामिल नैतिक मुद्दे, व्यावसायिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत नैतिकता, मतलब निजी और सार्वजनिक। सुभाष वर्मा के साथ ईमानदारी और विश्वास का मुद्दा, मुझे बताओ इस बंदे ने आज उस डिपार्टमेंट से आकर तुम्हें सूचनाएं भेज दी, कल ही अगर दूसरी जगह गया तो
तुम्हारी सूचनाएं तो भेजेगा, और कहीं उसने ये राज खोल दिया फिर तो बड़ा संकट है। तो क्या सुभाष पर हम भरोसा कर सकते हैं? कॉरपोरेट नैतिकता, तो व्यवसाय में एक नियमावली होती है कि भाई कंपटीशन होगा, सभी में जो बेहतर होगा उसको मौका मिलेगा, लेकिन यहां तो रियलिटी में आपके जीतने का कारण आपकी बेहतरता नहीं रही है, बल्कि आपको उन गुप्त जानकारियों के बारे में पता चल गया जिसके कारण आपको बोली लगाने में आसानी गई। प्रभात के साथ अंतरात्मा के टकराव का मुद्दा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, घर को देखे, कंपनी को देखे कि नैतिकताओं को देखे। साध्य बनाम साधन, लक्ष्य तो पूरा हो रहा है लेकिन क्या वो सही तरीका है? तेजी से इस मामले क्वेश्चन लिखोगे पूरा, फोटो तो ले लो दलीप, फोटो ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि कितने क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं कि मतलब लिखवाना नामुमकिन सी बात है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है मैं कल आपको कुछ पेज निकलवा दूंगा, उसी में आप लिखिएगा, क्वेश्चन और सामने खाली जगह छोड़ देंगे तभी जाकर चीजें बेटर हो पाएगी, क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन जैसा हो गया है। आपको पेसेज की पूरी पीडीएफ मिल जाए, उसी में ब्लैंक पेज दूंगा मैं, तो उसी में लिखते चलेंगे आप। कल करेंगे हम इसमें 6-7 केस स्टडी, उसमें जगह छोड़ दिया करेंगे ताकि आप नोट कर सके फिर उसमें। देखिए पहला, डन, भाषा कोई इतनी कठिन नहीं, थोड़ा धीमा पढ़िए तो चीजें समझ में आ जाएगी। वो कंपनी है यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो चाहती है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से आने वाला टेंडर उन्हें मिले, और उसके लिए उन्हें सब बना बनाया खेल मिल रहा है। लिखेंगे अब यहां से, जैसे प्रोफेशनलिज्म, मान लीजिए कि मैं किसी दूसरी जगह पढ़ाने जाता हूं तो नियम ये कहता है कि वहां पर क्या इंटरनल चीजें चल रही हैं आप किसी और जगह पर इसको नहीं बताएं।
में दोनों ही नैतिकताएं खतरे में रहेगी। अगर आप निर्णय ऐसा लेते हैं, बात मान लेते हैं, न केवल बिजनेस एथिक्स प्रभावित हो रहा है बल्कि पर्सनल रूप में भी आप गलत माने जाएंगे। लिख लिया है, इसमें दोनों ही नैतिक मुद्दों में उल्लंघन कहलाएगा। दूसरा, सुभाष वर्मा के साथ ईमानदारी और विश्वास का मुद्दा। सुभाष वर्मा प्रबंधकीय पद के लाभ के लिए अपनी वर्तमान कंपनी के साथ धोखा कर सकता है, तो क्या गारंटी है कि वह आगे अधिक लाभ के लिए इस कंपनी को धोखा नहीं देगा? कॉरपोरेट नैतिकता के उल्लंघन के मुद्दे, इसलिए दोनों मुद्दे।
साध्य बनाम साधन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। गांधी जी के अनुसार दोनों ही पवित्र होने चाहिए। अंतरात्मा कह रही है कि इस समय दबाव है, घर वालों की जिम्मेदारियां हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत काम कर लेना चाहिए, पर उसका एक पहलू वो भी है कि इसके बुरे परिणाम भी हो सकते। कहने का अभिप्राय यही है कि परिस्थितियां जब प्रतिकूल हो तो ही हमें समझ में आता है कि द्वंद्व किसे कहते हैं। अब पुनः उसके पास क्या क्या विकल्प है, पहले तो उनकी बात मानकर अपने सभी दुखों को पूर कर सकता है, लेकिन फिर हम उसको क्या करेंगे, काउंटर। लेकिन हम इस निर्णय को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि यह न केवल नैतिक बिजनेस नैतिकता के खिलाफ है, बल्कि साधन की अपवित्रता भी है, और उसकी अंतरात्मा आत्मसंतुष्टि या सुखवाद की प्राप्ति नहीं कर पाएगी। सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वह व्यक्ति योग्य भी है, तभी सक्षमता, अगर वो जानकारियां न भी हो तो भी उसके अंदर वो गुण है कि वह टेंडर को प्राप्त कर सकता है। तो हम सुभाष के केवल एक ही पहलू पर क्यों गौर करें, हम उसके दूसरे योग्यता वाले पहलू पर ज्यादा ध्यान दें। पहला विकल्प तो यह है। दूसरा विकल्प, हम उसे कहे कि आप अपनी गुप्त जानकारियों को साइड में रखिए और आप अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य करिए, अगर टेंडर नहीं मिला तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बिजनेस नैतिकता का उल्लंघन नहीं करेंगे। और हम इसी निर्णय को क्यों पसंद करेंगे, बिजनेस नैतिकता का पालन, साधन साध्य की पवित्रता, सामाजिक नैतिकता पूरी हो रही है, और दूरवर्ती सुभाष भी ये महसूस करेगा कि इस कंपनी में काम करने के लिए जिम्मेदारी और ईमानदारी की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में यदि कोई निर्णय होता भी है तो हमें आज के लिए पछताना नहीं पड़ेगा। प्रभात के पास उपलब्ध विकल्प, प्रभात सुभाष, अरे कितना टाइम लग रहा है, अब सवाल में दोहरावाना शुरू हुआ, विकल्प, अब सेम बातें आने लग गई। कल भी हमने देखा था विकल्प कौन कौन से हैं, तो अब जब भी हम सवालों को देखेंगे तो अब हमारे दिमाग में विकल्प आना शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि जब हम कुछ केस स्टडीज को सॉल्व कर लेते तो आइडिया लगने शुरू हो जाते कि हमारे पास क्या क्या विकल्प हो सकते। इसीलिए 2013 से 2022 तक की केस स्टडी जो विद्यार्थी 10 साल की सॉल्व कर ले, उसे एक सहूलियत हो जाती है, उसे एक आइडिया लग जाता है कि मैं क्या क्या दिशाएं बोलूंगा, क्या क्या चीजें बता सकता हूं, विकल्प कौन कौन से होंगे। लेकिन वही विद्यार्थी जिसने थ्योरी पढ़ी हो, सारे विषय को जानता हो, वो जल्दी ग्रास्प कर पाएगा कि क्या क्या हमें देखना होगा। प्रभात के पास उपलब्ध विकल्प, प्रभात सुभाष वर्मा को प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकता है, सुभाष के गुप्त दस्तावेज की मदद से निविदा बोली प्रस्तुत कर सकता है। सकारात्मक पक्ष क्या होंगे, प्रभात की कंपनी को बहुप्रतीक्षित टेंडर मिल सकता है, प्रभात की कंपनी बिक्री और वित्तीय सेहत में सुधार हो सकता है, प्रभात की आकर्षक नौकरी सुरक्षित रहेगी, उन्हें आगे प्रमोशन, सुभाष वर्मा के साथ सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के मुद्दे है, प्रभात का सुभाष वर्मा पर भरोसा कंपनी के लिए भविष्य में जोखिम पैदा कर सकता है। अगर किसी भी तरह गुप्त दस्तावेज के लीक होने की गतिविधि का खुलासा हुआ तो प्रभात समेत उनकी कंपनी और सुभाष वर्मा पर कानूनी दस्तावेज के आदान प्रदान से बातें सार्वजनिक होने पर प्रभात की कंपनी की प्रतिष्ठा और छवि को
नुकसान, यह महत्वपूर्ण रक्षा परियोजना है, इसलिए निविदा में कोई भी गलत काम और दस्तावेज धोखाधड़ी गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम का कारण बन सकती है। दूसरा विकल्प, प्रभात सुभाष वर्मा के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और पूरी ईमानदारी के साथ बोली जमा कर सकते हैं और परिणाम की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उन्हें योजना बी के रूप में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों के खोज और एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम नियुक्त करनी चाहिए। भाई समस्या पैसों की है ना, ढूंढिए कोई रास्ता जिससे कि हम कंपनी को और बेटर कर सकते हैं। सकारात्मक पक्ष, वही जो उधर नकारात्मक थे वो यहां क्या बन जाएंगे। प्रभात खुद को और अपनी कंपनी को भविष्य के संभावित जोखिम से बचा सकता है। वही बताया था जोखिम भविष्य का खतरा रहेगा। प्रभात उनकी कंपनी संभावित कानूनी मुद्दों से सुरक्षित रह सकती है। प्रभात उत्कृष्ट कॉरपोरेट नैतिकता और अत्यंत ईमानदारी का उदाहरण स्थापित करेगा। प्रभात सुभाष वर्मा के प्रस्ताव को स्वीकार करके देश को संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम से, उधर का नेगेटिव इधर पॉजिटिव, उधर का पॉजिटिव नकारात्मक, प्रभात की कंपनी बहुप्रतीक्षित टेंडर हासिल करने में विफल हो सकती है। प्रभात की आकर्षक नौकरी छूट सकती है, इसलिए उसके स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़ी बीमार मां को नौकरी छूटने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी कंपनी की बिक्री और वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। प्रभात छुट्टी के लिए आवेदन कर सके, वैसा ही चले ही गए हम ट्रांसफर करवा लेते, तो इसमें क्या रहेगा, कहीं ना कहीं आप अपने दायित्व और जिम्मेदारियों से भाग रहे। हम इस विकल्प को भी स्वीकार नहीं करेंगे। छुट्टी पे गया तो वह अंतरात्मा के द्वंद से स्वयं को बचा सकता है, उसकी जवाबदेही और उत्तरदायित्व को स्थानांतरित किया जा सकता है। यह टेंडर फेल हुआ तो उनका विभाग बंद हो सकता है, उसकी नौकरी जा सकती है, कंपनी की वित्तीय सेहत और बिक्री खराब हो सकती है, उसके परिवार को कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वो स्वयं को पूरे तौर पर दोषी मानेगा और शायद वो अपने आप को कभी माफ भी ना कर सके। प्रभात के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प, प्रभात सुभाष वर्मा के आवेदन को अस्वीकार कर सकता है और अधिकतम ईमानदारी से बोली जमा कर सकता है, परिणाम की प्रतीक्षा कर सकता है, उसे योजना बी के रूप में कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए नए अवसरों की खोज के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम नियुक्त करनी चाहिए। प्रभात को सुभाष वर्मा के साथ कुछ विश्वास और ईमानदारी के मुद्दे का हवाला देते हुए प्रबंधकीय पद के लिए सुभाष वर्मा के प्रस्ताव उसकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर देना चाहिए। उन्हें सुभाष वर्मा को सख्त चेतावनी भेजनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि उनके खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कुछ ज्यादा ईमानदारी हो जाएगी, पता चल रहा है सुभाष वर्मा उसके प्रतिद्वंदी कंपनी को कह रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन इस कंपनी को टेंडर नहीं देंगे, तो हम कहेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहां पर कि हम कठोरता की जगह पर उससे बातचीत करेंगे कि भाई तुम्हारे अंदर योग्यता है, तुम उस बोली को साइड में रखो, तुम अगर ईमानदारी से काम कर सकते हो तो हम तुम्हें स्वीकार करते क्योंकि बाकी कैंडिडेट की तुलना में तुम बेहतर हो, लेकिन शर्तें और बाकी चीजें हमारे कंपनी के अनुसार होगी, हम तुम्हारी शर्तों पर तुम्हें नौकरी, ये बात हम स्पष्ट कर देंगे। प्रभात को टेंडर पाने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए क्योंकि टेंडर की बोली अभी शुरुआती चरण में, इसलिए उसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। उसे व्यावसायिकता के सभी स्तर के साथ अपनी निविदा प्रस्तुत करने के हर संभव शोध करना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। योजना बी के रूप में वो अपनी कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए अवसरों की तेजी से खोज करने के लिए और त्वरित प्रतिक्रिया टीम नियुक्त कर सकता है। उन्हें इस योजना और रणनीति को अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना चाहिए। अगर टेंडर के नतीजे पक्ष में नहीं आए तो प्लान बी ला सकता है। आखिरी सवाल है आज का, राज्य में सिविल सर्विस ऑफिसर है, 20 साल की सर्विस उसकी हो चुकी है, यहां भी माता जी को आ गया है और मैंने कहा मां आ गई कि आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं।
ठीक है, होम डिपार्टमेंट में डायरेक्टर का पद मिला है उसे, एडिशनल सेक्रेटरी के पास उन्होंने पूरी जानकारी रिपोर्ट भेजी है। अब मेरे हिसाब से ये सवाल इसलिए नहीं देना चाहिए आप लोगों को क्योंकि अभी आप सीएम के पद की ही सूचनाएं समझ ले तो बड़ी बात है। सीधा डायरेक्टर सचिव वाले पदों की जिम्मेदारियां बनाने वाला व्यक्ति थोड़ा मेच्योरिटी लाए, वो समझे कि विद्यार्थी किस स्थिति में है। विद्यार्थी कोई एसडीएम का पद प्राप्त करके डीएम नहीं बन रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि पद के बाद क्या होगा, अभी तो तैयारी ही कर रहे हैं और ऐसे बड़े बड़े पदों से सुशोभित कर रहे हैं उन्हें। एडिशनल होम सेक्रेटरी ने उनको बुलाया और कहा कि ये क्या लगा रखा है, वापिस लो रिपोर्ट, मतलब जो उन्होंने बेचारे ने ईमानदारी से सारा काम किया था वापिस लो। क्या डबल डबल आ रहा है क्या ये डायरेक्ट? मतलब अगर उनको कहा कि अगर आपने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो प्रमोशन आगे का भी रुक जाएगा और आप सोचिए कि व्यक्ति ईमानदारी से काम भी ना कर सके। देख लीजिए, पांच प्रश्न है। सीमावर्ती राज्य के गृह विभाग के निदेशक के रूप में रमेश के पास कौन से विकल्प उपलब्ध है, वही सारा अब उत्तर बनना शुरू हो जाएगा। पहला, वो आदेश को मान ले और वापिस लेकर सकारात्मक पक्ष नौकरी बच जाएगी, सारी चीजें बढ़िया होगी, नकारात्मक पर वो उसको स्वीकार न करे। दूसरा, वो उसके खिलाफ ऊपर या मीडिया में जाकर जानकारी को जाहिर करे, सकारात्मक नैतिक द्वंद्व से मुक्ति मिलेगी, सुखवाद और बेहतर काम कर पाएगा, नकारात्मक गोपनीय जानकारियां निकलेगी तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, सीनियर उससे अब उल्टा और भी ज्यादा नाराज हो सकते। तीसरा, एक बढ़िया विकल्प यह है कि वो अपने अपर सेक्रेटरी से बातचीत करे, सुरक्षा के मुद्दे के संवेदनशीलता को बताए और कहे कि आप मुझे लिखित में सारी चीजें दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जो कहेंगे मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, इसको औपचारिक रूप से मुझे आप भेजिए। सकारात्मक नकारात्मक पक्ष, बात समझ में आ रही है? अब उत्तर बनने लग रहे हैं। रमेश को कौन सा विकल्प अपनाना चाहिए और क्यों? तो हम उसमें भी कह सकते कि पहला तो ये वाला विकल्प, पहली प्रायोरिटी। दूसरा, मीडिया और उस जगह पर, क्योंकि वो फिर भी देश की सुरक्षा का मसला, इसलिए हम उसमें किसी भी प्रकार की अनैतिकता को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भली हम पर थोड़ी कार्रवाई हो जाए लेकिन हम उसका स्पष्टीकरण दे सकते हैं। प्रत्येक विकल्प का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्रिटिकली एवेल्युएट ईच ऑप्शन, मतलब उसी विकल्प की बुराई, मतलब उसके निगेटिव पॉइंट को ही बताओ। हर विकल्प का केवल क्या बताओगे? निगेटिव। देखो ये बुरा है, ये बुरा है, ये बुरा है, हर अच्छा से अच्छे विकल्प का भी। रमेश को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? वही कहीं ना कहीं नैतिक दुविधाएं हैं, उसके ऊपर दबाव सीनियर का, और दूसरा सही कार्य, तो हम वही कहेंगे कि व्यवसाय जो उसके संगठनात्मक नैतिकता वर्सेस निजी नैतिकता। फिर दूसरा, देश की सुरक्षा, भाई देश की सुरक्षा की बातचीत है और उसके निजी हित, क्योंकि अगर उसने
सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया तो निजी हित पर खतरा आ जाएगा। तीसरा, परिवार की जिम्मेदारी, माता जी, नौकरी, बच्चे, वही सारी बातें जो अभी हमने इसके पहले वाले केस में भी देखी थी। पड़ोसी देश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ के खतरे से निपटने के लिए आप, अब यहां आपका इंटरनल सिक्योरिटी आ गया। डीएस पेपर 3, घुसपैठ को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वापिस पेपर 3 का विषय इसमें आपको लिखना पड़ेगा। वहां के जो भी स्थानीय हैं वहां पर पहले सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम, लोगों को अवेयर करना, जागरूकता फैलाना कि कोई भी बाहर का व्यक्ति मिले तो सूचना हम तक पहुंचाएं। जो भी सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर आप जैसे क्या लगाए जाते हैं, फेंस, हाँ, फेसिंग की जाती है या फिर एक तरीके से बाड़ बनाई जाती है, उस तरीके के विकल्प अपना सकते हैं। गड्ढा खोद लिया जाता है ताकि आना जाना ना हो सके, उस टाइप के भी ऑप्शन हम चुन सकते हैं। तो हो जाएगा अब इस टाइप में। रमेश के पास प्रश्न में उल्लेखित स्थिति से निपटने के लिए कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। रमेश अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश के बाद रिपोर्ट वापस ले सकता है। वो अपने वरिष्ठों को शामिल करके मामलों को उनके संज्ञान में लाकर उन्हें उचित कार्रवाई करने के लिए राजी करने का प्रयास कर सकता है। वह रिपोर्ट को सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज सकता है। अवैध आप्रवासन के मुद्दे राज्य स्तर पर अपने वरिष्ठों के असहयोगात्मक रवैये को उजागर कर सकता है। उच्च अधिकारियों को इस मुद्दे का समाधान करने के लिए मजबूर करने के लिए रिपोर्ट को मीडिया के साथ, अब आपको आइडिया लग जाने चाहिए कि अब हम क्या क्या कर सकते हैं। बस मुझे लगता है कल मैं जब आपको 7-8 एक बार और करवा दूंगा तो चीजें और भी क्लियर हो जाएगी कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कल लास्ट क्लास के समझ लीजिएगा कि हम उसमें 7-8 केस स्टडी एक साथ प्रिंट करके देंगे, खाली जगह दे देंगे ताकि आप उसे लिख सको। कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत।